हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे बाय डे क्लासेस। आज हम अपनी नाइन्थ की जो सीरीज हमने हिस्ट्री की स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट टू है। तो पार्ट वन में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि फ्रेंच में 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, उसकी सुबह लोगों ने क्या किया था, लोगों को क्या शक हुआ था, कुछ रूमर्स फैले थे, उस वजह से क्या क्या चीजें टूटी, लोगों ने महल तोड़े, पिंजे वो जो कैद खाने होते हैं, जेल होती है, सब तोड़े और फिर उनके पत्थरों को बेचा भी गया, खरीदने वाले लोग भी थे, ये सारी चीजें तो हो गई थी। उसके बाद लुईस सिक्सटीन जो था वो बन गया था राजा, वो उसी राजा की फैमिली से ही बिलोंग करता था, राजा बन गया, बर्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा था वो। तो उसके बाद राजा बनने के बाद उसे पता चला कि उसका खजाना तो पूरा का पूरा खाली है, इसी वजह से उसने टैक्स बढ़ाए थे और जो टैक्स थे वो अलग अलग टाइप की क्लासेस पे अलग अलग लगा था। मतलब उस टाइम में जो फ्रेंच का जो सोसाइटी था वो थ्री क्लासेस में डिवाइड था, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड वाला। जो थर्ड ई स्टेट था उसमें बिजनेसमैन और फार्मर्स और जो भी वर्कर्स होते हैं, छोटे वर्कर्स, बड़े वर्कर्स, सारे टाइप के ऑफिशियल वर्कर्स भी, गवर्नमेंट वर्कर भी, सारे उसी में आ रहे थे। तो सारे टैक्स इन्हीं लोगों पे इम्प्लाई किए जा रहे थे, बाकी लोग मजे की जिंदगी जी रहे थे। तो उसके बाद क्या क्या हो रहा था फ्रेंच में, अब हम वहां आगे से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जो स्ट्रगल करना पड़ रहा था सर्वाइव के लिए। अब जब एक ही क्लास पे सारी चीजें रख दी जाएगी तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो उस क्लास को करना ही पड़ेगा, जैसे कि थर्ड ई स्टेट को करना पड़ रहा था। तो जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन हो गई थी। कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में, 23 मिलियन पॉपुलेशन थी 1715 में और 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गई 1789 में। तो इस कुछ 60-70 साल के बीच में पॉपुलेशन जो है 5 मिलियन बढ़ गई। 5 मिलियन पॉपुलेशन तो बढ़ गई, तो क्या लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ वहां की चीजें भी ग्रो हुई होंगी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पॉपुलेशन बढ़ गई, चीजों की डिमांड बढ़ गई, बट जो चीजें थी उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी। फॉर एग्जाम्पल खाने को ले लेते, जो फूड ग्रेन थी उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी लेकिन उसकी डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। और इस वजह से जो ब्रेड का प्राइस था, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। मतलब जो ब्रेड है, मतलब जो बहुत ज्यादा लोगों की मेन डाइट थी, उसी का प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया। ज्यादातर जो वर्कर थे, जो इम्प्लॉयड थे एज अ लेबर वर्कशॉप में या फिर कहीं पे भी जो काम करते थे, उनकी फिक्स वेज होती थी, उनको एक फिक्स अमाउंट पे सैलरी मिलती थी, उनकी वेज वही की वही सीमित थी। वेज डिड नॉट कीप प्राइस विच राइज ऑफ प्राइजेस, उनकी वेज नहीं बढ़ी लेकिन जो प्राइस था सामान का जो उनको खरीदना था, जैसे कि रोटी ब्रेड जो उनको खरीदनी थी, उसका प्राइस बढ़ता गया। और इसी में एक गैप चालू, गैप जो था पुअर और रिच पर्सन्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे क्या हुआ, इसके बाद ये सीन और खराब हो गया जब ड्रॉट और हेल आ गए। मतलब ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, और मतलब सूखा हो जाता था या फसल खराब हो जाती थी, तो उस वजह से ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होने लग गई। हार्वेस्ट खराब हो रहा था, सब चीज खराब हो रही थी, सिचुएशन भी बिगड़ने लग गई। तो ये सारी चीजों ने पूरे जो सोसाइटी थी या उस टाइम के जो लोग थे फ्रांस के, उनको उन लोगों ने क्राइसिस में डाल दिया था। और वो क्राइसिस थे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस यहाँ पे हमें दिया हुआ है इस बॉक्स में, एन एक्सट्रीमली सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इनडेंजर्ड। मतलब जो बेसिक, जो हमारी लाइवलीहुड की जो बेसिक मीन है, मतलब जैसे कि रोटी कपड़ा, ये सब जो हमारी बेसिक नीड्स है, ये जो है एक सिचुएशन में आके इनडेंजर्ड में आ जाए, मतलब खत्म होने की कागार पे आ जाए, जिसका जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाए, तब जो है उस टाइम को हम कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। होप है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। यहां पे इस
चार्ट के थ्रू जो बेसिक सब्सटेंस है जिसकी क्राइसिस हुई थी या फिर सब्सटेंस क्राइसिस को बताया गया है कि कैसे करके हुआ था। पहले तो बैड हार्वेस्ट हुआ, मतलब हार्वेस्ट खराब हो गया। हार्वेस्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा ना कि जो फसल कटती है, फसल की कटाई को हार्वेस्ट कहा जाता है। तो फसल अगर खराब हो गई तो जो पुअर थे वो अपना ब्रेड भी खरीद नहीं सकते थे। और इससे क्या होगा, अगर आपको सही अमाउंट पे खाना नहीं मिलेगा तो आप बीमार हो जाओगे, बहुत सारी बीमारियां आएंगी। और जब बहुत सारी बीमारियां आएंगी तो लोग काम करने में थोड़े पीछे हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, डेली चीजों में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करेगी, इसलिए हमने इसका नाम रखा था सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस तो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एवी सेज एंड एंड टू प्लीवरेज प्लीवरेज। अब जो ये एविसेज है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज की जो एक आइडिया जो चेंज होती है, लोगों को नए आइडियाज आना या उनका चेंज होना, ये चीज को एवरेज कह सकते हैं। और प्रिविलेज मतलब तो आपने ऊपर देखा ही था, प्रिविलेज मतलब था जिनको छूट मिल रही थी, जिनको आराम मिल रहा था, जैसे टैक्स में प्रिविलेज मिल रहा था नोबेल्टी को, चर्च को, कि उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, सारे टैक्स मिडिल क्लास वालों को ही पे करना है। तो ये सारी चीजें खत्म करनी थी, मतलब टैक्स सब भरेंगे और मिडिल क्लास को एक नया आइडिया, एक नई सोच मिलने जा रही थी, मतलब वो कुछ अपने आइडियाज में चेंजेस लाने वाले थे, वो हम इसमें टॉपिक में कवर अप करेंगे। अब क्या हुआ, जो पास्ट में जो प्रेजेंट थे और जो वर्कर थे उन्होंने आंदोलन तो कर लिया, लेकिन इनका आंदोलन था किसके लिए, टैक्स बढ़ रहा था इसके लिए और खाने के लिए, इंक्रीज इन टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। फूड स्कार्सिटी मतलब होता है खाने की कमी की वजह से। अब ये जो इनके आंदोलन थे ये बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि लैक ऑफ, इनको जो थी ना पता नहीं था कि सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर्स में इनको कैसे करके चीजों को आगे लाना है, कैसे करके चीजों को चेंज करना है, ये बात का इनको नॉलेज नहीं था, इसलिए इनके जो आंदोलन थी वो उतने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई जहां उनको पहुंचना चाहिए था, और जो बहुत सारी चेंजेस है वो नहीं आ पाए। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विथ इन द थर्ड ईस्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पोरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। अब ये सब चीजें जब हुई तो इन्होंने जो थर्ड ई स्टेट के ग्रुप को पढ़ने के लिए और नए आइडियाज को सोचने के लिए मजबूर किया, या फिर हम कह सकते हैं इन सब चीजों की वजह से वो जो एक ग्रुप था उसने अपने आप में चेंजेस लाए, उन्होंने अपने आप को पढ़ाया लिखाया या फिर नए आइडियाज की तरफ अपने आप को मूव ऑन किया कि कैसे नए आइडियाज को अडॉप्ट करें कि हमारी लाइफ भी बाकियों की तरह इजी हो सके। 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा, 18th सेंचुरी को हम एक विटनेस की तरह मान सकते हैं जिसमें उसने सोशल ग्रुप्स में चेंजेस देखे, और ये चेंजेस जो सोशल ग्रुप में हुए थे वो मिडिल क्लास के हुए थे, जो गरीब लोग थे उनके लिए हुए थे। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसी ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। अब जो ये सोशल ग्रुप में जो चेंज हुआ था इकोनॉमिक, वो ऐसा था कि इन्होंने अपने जो वेजेस थे या अपना जो पैसा था या वेल्थ था वो एक्सपोर्टिंग से बढ़ाया, मतलब इन्होंने ओवरसी, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक गए, दूसरी कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस फैलाया जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग गुड बेचते थे। मैन्युफैक्चरिंग गुड मतलब बना के कोई चीज को बेचते थे, जैसे कि वुडन और सिल्क टेक्सचर को ये बना के बेचते थे, तो ये बाहर की कंट्री से इसको एक्सपोर्ट करते थे और फिर यहां से इनको मैन्युफैक्चर कर देते थे और बेचा जाता था, या तो वो एक्सपोर्टर होते थे या तो बाहर के जो रिच मेंबर्स होते थे वो इनको खरीद लेते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, जो मर्चेंट थे और जो मैन्युफैक्चरर्स थे थर्ड स्टेट के, वो प्रोफेशन वो इंक्लूड होने लग, ये सारी चीजें जो थी, ये दो जो थे इन दोनों का बिजनेस तो मस्त चलने लग गया, मर्चेंट का और मैन्युफैक्चरर का। उसके बाद जो प्रोफेशनल लॉयर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, इनकी भी लाइफ सब अच्छी चलने लग गई, सारी चीजें इनके लिए स्टेबल हो गई। लेकिन इसके बावजूद इनमें से कुछ जो एजुकेटेड पीपल थे, इन्हीं में से जिनकी लाइफ सही चल रही थी, उन्हीं में से जो एजुकेटेड पीपल्स थे उन्हें लगा कि हमारी सोसाइटी ठीक नहीं चल रही है,
हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ग्रुप टैक्स पे करे, एक ग्रुप बिल्कुल ना करे। तो इन लोगों ने सोसाइटी को कुछ चेंजेस लाने के लिए सोचा। जो जो ये प्रिविलेज्ड बाय बर्थ था, इसको हटाने की इन्होंने सोची कि ये चीज इस सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। प्रिविलेज्ड बाय बर्थ मतलब जन्म, अगर आपने राजा की फैमिली में जन्म लिया है, आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बैठ के खाओगे पूरी लाइफ तक। और ये सारा चीज यहाँ पे था। तो इन्होंने सोचा कि हमें इस चीज, इस आइडिया से हमें फ्रीडम चाहिए और हमें इक्वल लॉ चाहिए और अपॉर्चुनिटी चाहिए इक्वली सब चीज के लिए, जहां पे हम आगे बढ़ सके। तो ये जो आइडिया था, ये फिलोसोफर का था, जो कि थे जॉन लॉके एंड जीन जैक्वा रोजरॉल। और ये आइडिया थी कि इनको हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वल लॉ चाहिए और अपॉर्चुनिटी सबके लिए चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सके और जो प्रिविलेज बाय बर्थ था इसको खत्म होना चाहिए। इन हिज टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट लॉकर सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रेट ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। अब जो इनकी एक बुक थी, यहाँ पे इनकी जो बुक दे रखी है टू ट्रीटी, इसमें इन्होंने बताया टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट कि जो ये एब्सोल्यूट राइट है मोनार्ची का, ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ थे वो लोग कि मोनार्ची नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट एक ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के साथ जुड़ी हुई हो, लोग उस अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ जुड़े हुए हो। जैसा कि आज हमारे टाइम में है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको खुद ही चुनते हैं, मतलब हम वोट करते हैं। तो ये लोग भी वैसी ही चीजें चाहते थे। ये लोग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टेक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, इनके साथ एक कॉन्टेक्ट रखना चाहते थे कि लोगों को और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्टेक्ट रहे। ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी, मोनार्ची नहीं चाहिए थी इन्हें। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, एक दूसरी बुक की बात कर रहे हैं, जहां पे इन्होंने पावर को कुछ हिस्सों में डिवाइड करने की बात करी। पावर को डिवाइड करना मतलब जैसे आज हमारी जो कंट्री है वो किस हिसाब से चलती है, जुडिशरी, फिर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इनके बेस पे चलती है ना। तो ये भी इन्होंने भी यही सिस्टम सोचा कि हमारे गवर्नमेंट को या फिर इनके गवर्नमेंट को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। वो वही हिस्से थे जो आज मोस्टली कंट्रियों ने अडॉप्ट कर लिए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये सोचा तो फ्रांस के लोगों ने था, लेकिन ये आइडिया उन कंट्रीज ने अपनाया जिसको फ्रांस ने हेल्प किया था, इंडिपेंडेंस गेन करने पे। वो 13 अमेरिकन कंट्रीज थी ना जिसको फ्रांस ने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस होने में हेल्प की थी, उन कंट्रीज ने इस आइडिया को अपनाया था। द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब आइडिया कहीं और का था लेकिन यूज किसी और ने किया। हमने जिसकी मदद करी या फिर फ्रांस ने जिसकी मदद करी उसने उस आइडिया को अपनाया, बट फ्रांस ने उस टाइम तक उस आइडिया को नहीं अपनाया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। अब जब अमेरिका ने ऐसी चीजें की, एक इंडिविजुअल को राइट दिया पॉलिटिकली और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ये सारी चीजें जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के, उनके लिए बहुत जरूरी आइडिया बनने लग गया। द आइडिया ऑफ दीज फिलोसोफर वर डिस्कस इंटेंसिवली इन स्लोगन एंड कॉफी हाउस एंड स्प्रेड अमोंग पीपल थ्रू बुक एंड न्यूज़पेपर। अब जो ये आइडिया था कि हमें अपने फ्रांस में भी कॉन्स्टिट्यूशन लाना है या ऐसे अमेरिका जैसे आइडिया अडॉप्ट करने हैं, ये सारी चीजें जो फिलोसोफर की आइडिया थी, ये बुकों में स्लोगन के तौर पे कॉफी हाउस में बोली जाने लग गई, लोगों के बीच में बुकों और न्यूज़पेपर के थ्रू चली गई। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग पढ़ नहीं सकते, उन्हें भी तो इस आइडिया के बारे में पता होना चाहिए ना। तो उन लोगों के लिए फ्रांस के लोगों ने उस टाइम में क्या किया, वो ये सारी चीजों को जोर जोर से चिल्लाते थे, मतलब जोर जोर से पढ़ते थे, ताकि जो लोग नहीं भी पढ़ पाते उनको भी इन सब के बारे में पता चल सके। अब ये न्यूज जो थी वो न्यूज दैट लुईस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसिव ऑफ स्टेट,
गारंटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। उसके बाद लुईस 16 जो प्लान कर रहा था कि हम और ज्यादा टैक्स लगाएंगे ताकि हम अपने एक्सपेंसिव पे पहुंच सके, इस चीज ने लोगों के बीच में और ज्यादा गुस्सा और उसके खिलाफ नफरत पैदा करी और लोगों ने जो है जो प्रिविलेज था, मतलब जो ये आराम की जिंदगी जो जी रहे थे आजाद, मतलब ऐश की जिंदगी, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां तक तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, जिसमें सिर्फ हमने इतना पढ़ा कि कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री की हेल्प करने से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने से हमारी कितनी ज्यादा सोच चेंज होती है। अगर इन्होंने अमेरिका की हेल्प नहीं करी होती, ओवरसी ट्रेड नहीं किया होता, तो शायद ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में नहीं आते। और अगर ये आए तो इन्हीं के भले के लिए आए, एक ने दूसरे की मदद की, दूसरे ने तीसरे की मदद की, ऐसे करके बहुत सारी कंट्रियों ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी अपनाया और आजादी भी पाई। अब यहाँ पे कुछ सोर्सेस की बात की जा रही है। ये जो सोर्सेस है हमारी बुक में, कुछ इस चैप्टर में 6 से 7 सोर्सेस है, ये सारा मैं एक वीडियो में कवर अप करूंगी कि ये सोर्सेस क्या है, किस बारे में रहे हैं। और यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, और ये टॉपिक मैं अगली क्लास में या अगली वीडियो में आपके लिए लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।